स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। बीजेपी नेताओं से दोस्ती का ताल ठोककर इजहार किया। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी प्रेम में ओतप्रोत थे और जब बीजेपी वालों की जमकर तारीफ कर रहे थे, इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर भी सीएम नीतीश ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब बड़ा सवाल है कि राजनीति के मंझे हुए मुख्यमंत्री के बयान से बिहार की सियासत क्या डोलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल में एक बार फिर कमल खिला है। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार का खुले मंच से बीजेपी प्रेम छलका है। मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में डंके की चोट पर सीएम नीतीश ने बीजेपी से दोस्ती का ऐलान किया, वो भी दिल से आखिरी सांस तक के लिए। इतने लोग हमारे हैं, सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं, आप अलग हैं, छोड़ो रे कैसे क्या बता। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, बीजेपी नेताओं से समारोह भरा था और सीएम नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ रहे थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनदेखी का भी दर्द बताया। आप जानते हैं उस समय वो बतवा नहीं माना, कह दिया हमको कि साहब यहाँ अभी नहीं कर सकते हैं, यही जिनका दम माफ कर दे रहे, लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वही करिए, अच्छा अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, आप लोग कौची के नेता हैं जी, बापू के चीजों को भुला रहे हैं। तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहाँ काम शुरू हो गया। नीतीश की तारीफों से बीजेपी गदगद है। दलील दी जा रही है कि बीजेपी ने सुशासन के लिए चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया। बीजेपी को एहसास हो रहा है कि शायद नीतीश का मन फिर डोल सकता है, तो आरजेडी कह रही है कि नीतीश की बातों को तूल दिया जा रहा है। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये एहसास तो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंचाया, जो भाजपा से अलग कराने में हम भूमिका निभा रहे थे, आज उनको ये अखर रहा है। बात नेताओं के संदर्भ में कहा है, जो लोग एजेंडा चला रहे हैं जातीय आधारित गणना के खिलाफ, वो कौन लोग, उनका डीएनए क्या है, वो पिछड़ा दलितों के खिलाफ जिनके मन में भरा हुआ भाव है उसको विकार को बाहर निकाल रहे हैं, प्रतिदिन एजेंडा चला रहे हैं कई नंबर के लोग, बताने की जरूरत है क्या। जब इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए सच चुका है, ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का पीएम मोदी प्रेम बीजेपी से स्नेह है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सवाल बहुत कुछ इशारा करता है। हालांकि कांग्रेसी जोर देकर कह रहे हैं कि नीतीश इंडिया गठबंधन को छोड़कर नहीं जाएंगे। पार्टी होता है चुनाव में, लेकिन सामाजिक रूप से हम लोग सब एक है, और लेकिन यह मत समझिए कि अगर मैं किसी का तारीफ कर दिया तो मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। मेरा मानना है कि आप जो पूछ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, मेरे को नहीं लगता इंडिया गठबंधन छोड़ के वो कहीं जाएंगे। नीतीश के पीएम मोदी और बीजेपी प्रेम से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से असहज है, क्योंकि नीतीश कुमार सियासत के सबसे मंझे हुए नेताओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ और ताउम्र की दोस्ती की दुहाई के मायने नीतीश भी समझते हैं और इंडिया गठबंधन भी। नीतीश के एक बयान से इंडिया गठबंधन से लेकर एनडीए तक में धड़कने तेज है। धन्यवाद। मोतिहारी से पंकज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी वालों से दोस्ती पर मंत्री विजय चौधरी और आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने प्रतिक्रिया दी है। मोतिहारी में जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जिन बातों का उल्लेख उन्होंने अपने भाषण के क्रम में किया है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है और उसके कोई बहुत राजनीतिक मायने या राजनीतिक महत्वार्थ खोजने या ढूंढने की जरूरत नहीं है। मामला सीधा है,
लेकिन उस समय रफ्तार धीमी रह गई, ठीक से हो नहीं पाया। फिर जब ये नई सरकार बनी तब उसकी स्थापना हुई। ये तो तथ्यात्मक बात है ना। दोस्ती का मतलब होता है कि आदमी का जो राजनीति करता है उसका दो तरह का जीवन है। एक राजनीतिक जीवन जो होता है वो अपने पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और विचारों के लिए होता है, और एक अपना व्यक्तिगत सामाजिक जीवन होता है। तो जो व्यक्तिगत सामाजिक जीवन है उसमें नीतीश बाबू ही क्या, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर रहता है। तो निजी संबंध पर यदि उन्होंने कोई टिप्पणी किया है तो मैं इस पर कोई अनर्गल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।